नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका ममल बोनसाई में फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैंने आपको एक नर्सरी का विजिट कराया था जहाँ से मैं एक प्लांट लेकर आया हूँ। दोस्तों, ये सदाबहार का प्लांट है। सदाबहार एक ऐसा प्लांट है जो बारह मास हमें फ्लावर्स देता है। दोस्तों, इसकी 8 प्रजातियाँ हैं। जो हमारे यहाँ पे प्लांट लगा हुआ है मेरे पास, उसे कैथरीन थस कहते हैं। इसका सदाफुली नाम भी है, जो नाम इसका इसलिए पड़ा क्योंकि ये हमेशा फ्लावर देता है। दोस्तों, सदाबहार का जो प्लांट है उसका जो शेप है वो ऑटोमेटिक इतना अच्छा बन जाता है कि उसको पुन करने की जरूरत नहीं होती, और अगर हम उसको पुन करना भी है तो हम उसको पिंच करके, जैसे ये यहाँ से इसका न्यू ग्रोथ स्टार्ट है, यहाँ से पिंच कर देंगे तो इसकी न्यू ग्रोथ यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह से हम इसको और अच्छी शेप दे सकते हैं। दोस्तों, ये प्लांट 3 फुट तक ग्रो कर सकता है। ओके दोस्तों, हम इसकी केयर कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले लाइट एंड पोजीशन। तो दोस्तों, इसको आप बाहर खुले एरिया में रखिए, सनलाइट जहाँ इसको अच्छे से मिले। इसको ऐसी जगह पे रखें जहाँ 3 से 4 घंटे इसको डायरेक्ट सनलाइट मिलती रहे, ताकि जो फ्लावर्स है वो अच्छे से ब्लूम करें। अगर हीट तेज है तो आप इसको सेमी शेड में रख सकते हैं, मीन्स किसी बड़े ट्री के नीचे रख सकते हैं। वाटरिंग, दोस्तों इसे रेगुलर वाटरिंग करें, लेकिन ओवर वाटरिंग ना करें। जो इसका सोइल है उसको कंप्लीट ड्राई ना होने दें, यानी कि उसके अंदर थोड़ी सी नमी जरूर बनाए रखें। फर्टिलाइजर, जब प्लांट पे ब्लूमिंग स्टार्ट हो जाए तब हम इसमें लिक्विड फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं। इसमें ज्यादा फर्टिलाइज करने की जरूरत नहीं है, हम इसको मंथ में एक बार फर्टिलाइज कर सकते हैं। सोइल, अगर हम इसे पॉट में ग्रो कर रहे हैं तो इसको जो सोइल है वो सैंडी सोइल हो, ताकि जो वाटर को अच्छे से ड्रेन कर सके, बिकॉज इसको ड्रेनिंग सोइल पसंद है। तो इसके लिए हम बजरी यूज कर सकते हैं, बजरी के अंदर हम कंपोस्ट मिला सकते हैं। प्रोपोगेशन, इसे हम सीड से ग्रो कर सकते हैं। अगर ग्राउंड में ग्रो कर रखा है, जैसे कि मैंने ग्राउंड में अपना प्लांट लगाया हुआ है, तो दोस्तों उस पर क्या होता है, जब हवाएं तेज चलती है तो उसके सीड्स उसके आसपास बिखर जाते हैं, और उसकी वजह से वो सीड्स वहीं पे ग्रो हो जाते हैं। तो इसके आसपास आपको काफी जो छोटे बेबी प्लांट है देखने को मिलेंगे, आप वहां से निकाल कर उनको पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं, या फिर आप कटिंग के थ्रू इसको ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, ये प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो हमें काफी दवाइयों में यूज होता है। सदाबहार का जो फूल है वो डायबिटीज के मरीजों के लिए काफी फायदेमंद है। इसको फ्लावर को खाने से डायबिटीज के मरीज को काफी फायदा मिलता है। ओके दोस्तों, मैं इसको पॉट में लगाने की सोच रहा था, लेकिन जो ये प्लांट है जो मैं नर्सरी से लेके आया हूँ, ये प्लांट अलग कलर का है। एक्चुअली में जब मैं लेके आया तब इस पे एक फ्लावर था, लेकिन वो रास्ते में गिर गया। बिकॉज मैं इन सब प्लांटों को एक साथ लेके आया था, मैं कुछ डिफरेंट कलर के फ्लावर्स भी लेके आया हूँ, उनका वीडियो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। तो तब इसका जो एक फ्लावर ऊपर आया हुआ था वो निकल गया, वो बिल्कुल रेड कलर का था, काफी खूबसूरत फ्लावर इस पे आएगा। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं इसके काफी प्लांट्स बनाऊँ, तो इसके लिए मैं इसको ग्राउंड में ग्रो करूंगा, ताकि जो मेरे गार्डन में इसके जो सीड्स हैं वो गार्डन में ही बिखर जाएं, और वहां पे ऑटोमेटिक जो इसके प्लांट हैं वो काफी ग्रो हो जाएं। बाद में मैं उनको निकाल के अलग अलग जगह लगा दूंगा। ओके दोस्तों, तो मैं ये प्लांट यहाँ पे लगाऊंगा ग्राउंड में, और ये एरिया मेरा जो गार्डन है उसका बाउंड्री है मीन्स। तो सबसे पहले हम इसके जो पॉलिथीन बैग है वो निकाल देंगे। दोस्तों, इन्होंने नर्सरी वालों ने क्या किया हुआ है कि इस प्लांट को ज्यादा नीचे तक नहीं रखा, ऊपर रखा हुआ है, जिसकी वजह से ये गिरने को हो रहा है। तो हम इसको आराम से निकालेंगे। देखिए, इसकी रूट्स जो है वो अच्छे से ग्रो कर रही है और ये चारों तरफ फैल रही है। तो हम इसको पहले यहाँ पे हम गड्ढा खोद लेंगे। दोस्तों, ग्राउंड में प्लांट ग्रो करने के काफी फायदे हैं। एक तो प्लांट को फूड मिल जाते हैं, उसमें फर्टिलाइजर वगैरह करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, और नंबर दो, प्लांट अच्छे से ग्रोथ करता है, जो थिकनेस है प्लांट की वो अच्छे से बन जाती है। अब हम प्लांट को इसके अंदर रख देंगे। अब हम तो मिट्टी डाल देंगे, और जो प्लांट है जो तिरछा हो रहा था ये थोड़ा सा, इसको हम सीधा कर देंगे अब मिट्टी लगा के। इसके चारों तरफ अच्छे से फिंगर से हम मिट्टी को भर देंगे। दोस्तों, अब हम इसमें वाटरिंग कर देंगे। ओके दोस्तों, तो सदाबहार हमने यहाँ पे लगा दिया है। अब ग्राउंड में लगाने की वजह से ये जल्दी ग्रो करेगा, और इसके जो सीड्स है वो यहाँ आसपास गिर जाएंगे, तो काफी सीड्स ऑटोमेटिक ग्रो हो जाएंगे। फिर हम उसको बाद में अलग अलग
जगह पे लगा देंगे। ओके दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।